हाय गाइस, कैसे हो आप सभी के सभी लोग। होप करता हूँ कि आपका दिन आज बहुत ही शानदार एंड एवरीथिंग बीता होगा, मजा ही आया होगा आपको आज के दिन में ट्रेड करके। कैसा गया आपका दिन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताते रखना। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके एंड व्हाट अ गुड डे इट वाज। मीन्स लाइक बहुत ज्यादा साइडवेज टाइप का जरूर था, बट जिसको कहते हैं जब एनालिसिस परफेक्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो वो वाला सिनेरियो आपका मार्केट में आज के दिन में बचता हुआ दिखा। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कैसी रही आज की हम लोग की मार्केट एंड कल की मार्केट में हम लोग कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, उन सब का डिस्कशन बहुत ही शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो जो लोग भी न्यू हो गाइस, आप लोग प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर देना। एंड आज ही हम लोग के 2,11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर दैट एवरीवन। ओके तो चलिए गाइस, सबसे पहले आज की मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले मैंने कल भी मार्केट एनालिसिस वीडियो में भी 2-3 बार बोला था, आपसे आज भी बोल रहा हूं। कल आपको बताया था कि BTST नेगेटिव साइड का बनाना है, क्लियर दिया गया था। BTST खुलता देर नहीं, सबका अपना 30-30-20-20% ROI निकल गया। मतलब BTST में लोगों ने अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया था, किसी को कोई भी टेंशन नहीं थी, सबने अच्छा प्रॉफिट निकाला, सब लोग फुल पोटेंशियल के साथ एंजॉय कर रहे थे। BTST खुल गया था, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा गैप डाउन एंड सबका प्रॉफिट होता दिखा। फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग जैसे मार्केट ऊपर आया, हमने कोई भी लॉन्ग नहीं करा। क्यों नहीं लॉन्ग करा? क्योंकि हमारा 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था। फिर हम लोग वेट करे, मार्केट ने ब्रेक करा ब्लू लेवल को। ब्लू लेवल ये आपकी कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था, और ब्रेक करने के बाद हमने एक शॉर्ट साइड की एंट्री ली। शॉर्ट साइड में हमारा हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे हमने बुक करा? एकदम डिट्टो वही लेवल पे जहां पे आपके साथ पहले मैंने शेयर करके दिया हुआ था, एकदम उसी लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी। इसमें भी मेरे कुछ इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया एंड उसमें भी बेहतरीन प्रॉफिट बना लिया। तो सुबह के टाइम पे, मतलब जिसको कहते हैं BTST में भी प्रॉफिट, फिर ब्रेकडाउन में भी प्रॉफिट, फिर आपका अपसाइड का मोमेंटम में भी लोगों ने प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद मेरी उन लोग को मिलती हुई दिखी एक स्नाइपर एंट्री। स्नाइपर एंट्री जब मार्केट ऊपर के लेवल में पहुंचा तो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन दिखा, और मुझे यहाँ पे भी दिखता हुआ दिखा। मैंने यहाँ पे लोगों को शॉर्ट साइड का एक एनालिसिस शेयर करा एंड फटाक से हम लोग को फिर से मिल गया 40 पॉइंट्स। तो आप कह सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग का लगभग 50-60 पॉइंट्स डन हो चुका था। इसी रीजन की वजह से हम लोग सुबह ही हैप्पीली बहुत रिलैक्स हो गए थे, बहुत ज्यादा फिर कैपिटल के साथ। मैं पूरा दिन रियलिटी बता रहा हूं नहीं ट्रेड करा था, मतलब एक दो ट्रेड्स बस छोटे मोटे स्कैल्पिंग के प्लेस करे गए थे और कुछ भी नहीं, इसको याद रखिएगा। आई होप करता हूं आपका भी दिन अच्छा गया होगा, आपने भी एनालिसिस को फॉलो करा था। कितने लोगों ने एनालिसिस को पूरा परफेक्टली फॉलो करा था एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एनालिसिस फुल्ली फॉलोड एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। पूरी एनालिसिस को फॉलो करा सर, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, तभी मुझे भी सुकून मिलेगा कि यस मैं कुछ चीजें दे रहा हूं आपको मेहनत से, तो आपको अच्छा लगती हुई दिख रही है। उसके बाद जो गंदगी मार्केट ने मचाया, इतना रिटेलर्स का लॉस कराया कि मुझे दुख भी हो रहा था, बट जो अपने इंटेलिजेंट ट्रेडर्स थे उनको बहुत ज्यादा नहीं प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि वो लोग अपनी कैपिटल को सेव करके रखे। तो चलते गाइस अब नेक्स्ट मार्केट को देखते हैं गाइस। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग लाइक कर रहे होगे मुझे पता है, कम से कम 700 लाइक्स का एम रखते मिनिमम गाइस। मैं चाहता हूं कि आप लोग 800-1000 करो, बट चलो स्टार्ट करते 700 से, जरूर से करते जाना। नीचे देखते रहना, 500 तक पहुंच गया होगा तो 600 कर देना, 600 तक पहुंच गया होगा 700 कर देना, कंप्लीट करते जाना गाइस। अब चलते हैं कल की मार्केट को देखना शुरू करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आपका बहुत ही बड़ा इवेंट है गाइस, कौन सा इवेंट है आपका? फेड का इवेंट आज होता हुआ दिखेगा 11:30 बजे रात में। मैं इसका अपडेट आपका टेलीग्राम चैनल पे आज डालने वाला हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड या थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है? तो इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। क्या होगा फेड के इवेंट में, उसके बारे में जल्दी से डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे कि फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आज के दिन में आने वाला है, जो प्रीवियस था उसी के साथ साथ एक्सपेक्टेड भी उतना ही माना जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से अनचेंज्ड इवेंट को बनाने की कोशिश करा जा रहा है, जो एक तरीके से थोड़ा से मार्केट को न्यूट्रल साइड पुश कर सकती है। बट अगर मैं देखूं तो थोड़ा डर तो माहौल बन रहा है मार्केट में, क्योंकि मैंने देखने की कोशिश करा तो डाउ के फ्यूचर्स आपके काफी ज्यादा अच्छा खासा डाउन हो चुके हैं। 100 पॉइंट्स के आसपास डाउ के फ्यूचर्स डाउन है एंड नैसडेक के फ्यूचर्स भी डाउन है, तो इसका मतलब डर का माहौल तो गाइस है मार्केट में। एंड अगर मैं ग्लोबल मार्केट के भी पैरामीटर्स को चेक करने की कोशिश करूं तो यूरोपियन मार्केट भी पहले पॉजिटिव थे, अब उससे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव और न्यूट्रल होते हुए दिख रहे हैं। एंड एशियन मार्केट भी आपके थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो भी आपका बेयरिशनेस का दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो इसलिए एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज टू नेगेटिव ही रहता हुआ दिखे कल के दिन में भी, बट अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे एंड आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके साथ साथ गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कल आप लोग ने बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ाई के लेक्चर्स को अपना लिया एंड अपना पढ़ा, आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग का भी नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, जिनको भी बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ना होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे तुरंत से व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेसिक से लेके एडवांस, या तो कोर्स डिटेल लिख के भेज दीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेके एडवांस वाला कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आपका स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टेड आपका लॉन्ग टर्म में बहुत यूजफुल रहता हुआ दिखेगा।
अभी भी मत शर्माइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, उसको ले लीजिएगा, इस व्हाट्सएप के ऊपर जल्दी से लिख के भेज दीजिएगा कोर्स डिटेल, आपको मिल जाएगी वहां पे पूरी डिटेल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखने की कोशिश करते हैं कि ओआई डाटा अब हम लोग का मार्केट क्या शो करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ओआई डाटा को चेक करने की कोशिश करूं ओपन इंटरेस्ट को, तो वीकली ओपन इंटरेस्ट में देखूंगा कि मैं कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को इंक्रीज करें, करेंगे ही, नॉर्मल सी बात है, मार्केट ऊपर से नीचे पूरा आता हुआ दिख रहा है, तो कॉल राइटर्स का कॉल्स का प्रीमियम डीके खाने में मजा आ रहा होगा, तो बिल्कुल वो लोग अपनी पोजीशन को अपना अच्छी तरीके से इंक्रीज करे हुए निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में भी देखने की कोशिश करा जाए तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो दोनों साइड के लोग बैठ गए थे, क्यों, क्योंकि करेंगे ही, दोनों साइड के लोग बैठेंगे ही क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। तो बैंक निफ्टी की तो अब बात को हटा देते हैं, अब हम लोग का मेन कंसर्न है निफ्टी, तो निफ्टी का जरा से एक बार मंथली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करते हैं। मंथली में चेंज इन वाई उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप यहां देखोगे तो यहां पे भी कॉल राइटर्स ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको समझते हुए चलेगा। अच्छा गाइज, आपको कॉल राइटिंग एंड एवरीथिंग के बारे में समझ में आता है कि नहीं, एक बार यस और नो कमेंट सेक्शन लिख देना। अगर समझ में आता है तो सब लोग देना यस आई अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल राइटिंग, और अगर नहीं आता है तो नो आई डोंट अंडरस्टैंड कॉल राइटिंग, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बता देना, ताकि मैं देखता हूं मैं कुछ इसका भी प्रबंध करवाने की कोशिश करता हूं। वैसे मैंने सब कुछ इस बेसिक से लेकर एडवांस वाले कोर्स में पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए, एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि अब हम लोग का और सिनेरियोस क्या क्या है उसको जल्दी से देख लेते हैं। अब वन डे टाइम फ्रेम पे चलने की कोशिश करेंगे अगर, तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि बिटकॉइन में आपका अच्छा खासा राइज आया है, बिटकॉइन ठीक चल रहा है, अभी के दिन में प्रॉफिट बुकिंग है। और अगर मैं डॉलर इंडेक्स को देखूंगा तो आज डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना एक तरीके से मार्केट के लिए थोड़ा से नेगेटिव बात मानी जाती है। और अगर मैं यूएस मार्केट का देखने की कोशिश करूं तो ये लोग कैसे भी करके ऊपर क्लोज करे थे, बट अगर आज फिर से गैप डाउन खुलेंगे तो थोड़ा से पैनिक का सिचुएशन बनेगा, इसको याद रखिएगा। और क्रूड ऑयल को भी देखने की कोशिश करूं तो क्रूड ऑयल भी आपका पॉजिटिव हो रहा है, तो ये भी यूएस मार्केट के लिए थोड़ा से नेगेटिव बात है। तो अभी तक देखा जाए तो जो सारा डाटा पॉइंट्स, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट का डाटा, ये सब तरीके से मार्केट को टेंड करा रहा है कि एक नेगेटिविटी का प्रेशर है। बट अगर मैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें और हम लोग को देखनी है जो इंपॉर्टेंट होती हुई दिखेगी। लाइक कर देना गाइस, 700 लेट्स गो। ओके, तो चलिए गाइस अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं हम लोग के लेवल्स एंड एवरीथिंग को, एंड उसको हिसाब से कैसे कल के दिन में मार्केट को परफॉर्म करना है उसको जल्दी से मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर का लेवल निफ्टी में मार्क करिएगा अपना 229। नेक्स्ट लेवल आपका 19,134। नेक्स्ट लेवल आपका 19,054। नेक्स्ट लेवल आपका 18,976। एंड नेक्स्ट लेवल आपका 18,850। ये सारे लेवल्स को आप एकदम अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। 20 लेवल्स कल के आपके मिल चुके हैं, और भी कुछ एडिशन होता है वो मैं लाइव मार्केट में आपको बता दूंगा। अब देखो गाइस, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ के बायर्स अभी प्रेजेंट हैं और यहाँ के सेलर्स अभी प्रेजेंट हैं, यहाँ के सेलर्स अभी प्रेजेंट हैं, यहाँ के सेलर्स अभी प्रेजेंट हैं, बट बायर्स में ओनली ये बायर्स मेनली प्रेजेंट होंगे एंड थोड़े बहुत ये वाले बायर्स प्रेजेंट होंगे, बट बहुत थोड़े बहुत। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखा जाए, अगर मार्केट कल के दिन में यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है गाइस और रुकता है, तब तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन एंड स्टॉप लॉस हंटिंग थ्योरी मार्केट को एक बार 200 मूविंग एवरेज को टच करने जाना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा, 200 मूविंग एवरेज को मार्केट एक बार टच करने जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बताया जा रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट हो सकता है, बट एक बार के लिए मार्केट आप मार्क कर लो, चलो 200 मूविंग एवरेज छोड़ो, ये लेवल को टच करने जाएगा 19,137 के लेवल को। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, बट गैप अप खुलता है, सस्टेन करता है, तभी इन लोग का स्टॉप लॉस एक बार हंट करने मार्केट जा सकता है। बट जैसा मैंने आपको दिखाया ही, ग्लोबल मार्केट में पूरी अभी नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी रात के टाइम फेड की इवेंट की वजह से, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। फेड के इवेंट की वजह से मार्केट में रिएक्शन जैसा रहेगा उसके हिसाब से भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर रिएक्शन नेगेटिव रहा गाइस तो गैप अप भी खुल जाता है मार्केट ना, तब भी इन सब लेवल से रेजिस्टेंस लेके सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट का भी प्रोजेक्शन नेगेटिव है। बट अगर आपका फेड का इवेंट की वजह से जो रिएक्शन इन द मार्केट रहता है वो पॉजिटिव रहता है, तो हो सकता है गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ी देर रुके, साइडवेज हो, एंड सेकंड हाफ में हो सकता है इन लोग के स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट ब्रेक करे एंड आपका 19,225 के भी लेवल को रीच करता हुआ दिखे। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, फेड का इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से डिपेंडेंसी भी रहेगी। अब अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है तो साइडवेज खुलने पे कुछ नहीं करना, अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा से कम क्वांटिटी में प्ले करना है, क्योंकि कम से कम ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करेगा तभी बुलिशनेस आएगी, क्योंकि सेलर्स लगातार निफ्टी को पुश कर रहे हैं। अगर मार्केट साइडवेज खुलने के बाद ब्रेकडाउन करता है तो सेलिंग के ट्रेड को लेने में कोई शंक ही नहीं करना, कोई शक का पैदा नहीं करना, आराम से आप ले सकते हो। बस देखते रहना कि आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक सस्टेन कर जाए एंड अपना डाउन साइड में, तब आपका डाउन साइड का टारगेट ये रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं, तो आपका पहला टारगेट ही ओपनिंग होता हुआ दिखेगा 18,850, और नीचे के टारगेट मैं आपको लाइव मार्केट में शेयर कर दूंगा।
ठीक है गाइस, ये पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए, मजा आ गया एनालिसिस देख के। अब चलते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पे भी जंप करते हैं एंड उसके बाद आज के एनालिसिस को डन करते हैं गाइस। लाइक करते चलिएगा, कमेंट करते चलिएगा, अपना फुल सपोर्ट दिखाते चलिएगा एंड अपना जिनको भी गाइस पढ़ाई करना है, कोर्स लेना है तो अपना व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। और पीजीएस तो मैं होप करता हूं आप में से सभी लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हो तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से पीजीएस को पढ़ लेना, आप इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर रहे हो गाइस। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के लेवल्स भी ऐसे ही हैं, बैंक निफ्टी आज पूरा साइडवेज था। अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी 42,552 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो पहला टारगेट आपका 42,374 एंड दूसरा टारगेट आपका 42,124 तक का बन सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इफ इन द केस मार्केट गैप अप खुलता है तो पहली बात तो 5 मिनट में ही 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज ये सब प्रेजेंट है तो उन सबको रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए चलिएगा एंड जब तक उन सबको क्लियर करते हुए मार्केट नहीं निकलता तब तक बहुत ज्यादा लॉन्ग मत करिएगा। और अच्छा लॉन्ग मुझे जितना लगता है मार्केट तगड़ा वाला लॉन्ग तभी देगा जब 43,000 को क्रॉस करेगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता मार्केट किसी भी एंगल से बहुत खतरनाक भागने की कोशिश करेगा। तो 43,000 के लेवल के ऊपर जब तक नहीं क्रॉस करता मेरी क्वांटिटी साइजिंग एंड एवरीथिंग बहुत कम रहेगी एंड मैं थोड़े कम प्रॉफिट्स मतलब लेने की कोशिश करूंगा अपसाइड के मोमेंटम में, इसको याद रखिएगा। और अगर 43,000 के ऊपर पा करके सस्टेन करेगा देन मैं ट्राई करूंगा 43,200 को टारगेट करने के लिए, इसको ध्यान देते हुए देखिएगा। वैसे कल की एक्सपायरी अगर साइडवेज होती है तो बहुत बेकार लगेगा क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर की तो थोड़ी सी साइडवेज ही हुई है, बाकी चीजें तो हम लोगों को कल ही पता चलेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। और फेड का इवेंट है तो देखते क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखता है, आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है फेड के इवेंट से एक बार कमेंट सेक्शन बता दो, इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा लोगों ने लास्ट तक वीडियो को देखा फेड के इवेंट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो गैप अप खुलवाने में मदद करेगा कि गैप डाउन, एक बार आप बताइएगा जरूर से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मार्केट एनालिसिस, होप करता हूं आपको अमेजिंग लगा होगा देख के। अब कल की मार्केट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड मेरे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स लॉन्च करते हुए दिखेंगे, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल गाइस।